तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निशित कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर सोहंटे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को हाइड कर सकते हैं दोस्तों, और हाँ चैनल को हाइड करने का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो नॉलेजेबल है और ज़रूर अगर आप नए क्रिएटर हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है ये आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइबर हाइड करने के आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जब आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड करते हैं तो आपका जो व्यूअर्स होता है, जो आपकी वीडियो को देखता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, वो ये नहीं सोच पाता है कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, कम है या ज़्यादा है, या फिर आप नए क्रिएटर हैं। दोस्तों देखिए, जो व्यूअर्स होते हैं वो जल्दी से नए यूट्यूब क्रिएटर की वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, उसका दोस्तों एक कारण है। पुराने क्रिएटर्स पर वे इतना भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं और उनको नॉलेज ज़्यादा हो गया है, तो उनको लगता है कि हम जो टिप्स बता रहे हैं वो हमारे टिप्स उनके काम नहीं आएंगे। दोस्तों ये एक रीज़न होता है जिससे जो व्यूअर्स होते हैं वो नए क्रिएटर्स की वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही काम करना है, आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखना है ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपकी वीडियो को पूरा देखें, आपके कंटेंट को समझें। दोस्तों अगर व्यूअर्स आपके कंटेंट को समझ जाएंगे तो फिर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप अच्छा कंटेंट व्यूअर्स को देते रहिए और वे आपके जो कंटेंट है और उसके कंटेंट आपके कंटेंट से उनको लाभ मिलता है दोस्तों, वे आपके परमानेंटली सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को में देरी ना करते हुए आपको दिखा देते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे हाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने सब्सक्राइबर कैसे हाइड करने हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। देखिए जैसे कि मेरा चैनल का जो पेज है यूट्यूब पर ऑलरेडी खुला हुआ है, अब हमको यहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप साइट पर जाना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद हमको अपने चैनल लोगो पर जाना है, योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज चैनल पर जाना है और कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद जब ये पेज खुल जाएगा, अभी पेज खुल रहा है, नेट थोड़ा स्लो है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, आपको यहाँ नीचे में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद चैनल के ऑप्शन पर जाना है और एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल करना है। और देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने अपने सब्सक्राइबरों को हाइड करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर साइन क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइबर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से आपको सब्सक्राइबर हाइड करने हैं और इसको क्लिक कर देना है, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर हाइड पहले से किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं और अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं कि किस तरह हमने सब्सक्राइबर को हाइड किया है, सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ये ट्रिक अपनाकर अपने चैनल पर सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपका चैनल ग्रो होने लगेगा, आपके वीडियो पर व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और जाहिर सी बात है दोस्तों आपके व्यूज़ बढ़ने से और सब्सक्राइबर बढ़ने से आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा और जल्द ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरी अगली वीडियो का आने का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छी नॉलेजेबल बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आज के लिए बस।